इस वीडियो में हम जानेंगे केस स्टडी जिसमें मैंने कैसे रिजल्ट्स लिए और किन किन देवताओं का मैंने उपयोग किया जो रिजल्ट्स मुझे बहुत जल्दी क्रिएट हो गए। इसके अलावा देव मनिया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे लगाना है, इसमें देव कॉइन्स और स्प्रिंग्स एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे लगाने जाते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, इस तरीके की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो जमे रहिए, जुड़े रहिए वास्तु गुरु जी के साथ। मुझे एक फैमिली ने अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि हम एक नया घर लेना चाहते हैं और हमें बड़ा मन है पर परिवार वाले उसकी सहमति नहीं बरत रहे हैं या उसे सहमत नहीं हो रहे हैं, वो पूरे परिवार वाले सहमत नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो एक विलेज सीन है या कहिए पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी है तो वो विलेज सीन का ही एक स्वरूप, पर मैंने या हमारे स्टोर में उसका नाम पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी है क्योंकि वो येलो फ्रेम में वो घर लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उनको येलो फ्रेम पे W5 वरुण के ऊपर, W5 वेस्ट के अंदर वरुण के ऊपर लगाने की मैंने उनको एक सलाह दी कि आप वहां पर लगा दीजिए और आपका आगे चल के संजोग बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप उसको ले पाएंगे घर को। चलिए, आई गई में बात हो गई, 10-15 दिन 20 दिन बीत गए इस बात को। फिर उनका कॉल आया कि सर बात ऐसी है कि घर वाले तो पूरे के पूरे राजी हो गए हैं घर लेने के लिए पर हमें घर नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, ऐसा उनको उनकी भाषा में उन्होंने अपनी तरफ से अपने तरीके से कहा, जो लोग घरों पे डील करते हैं हमें वो ही नहीं मिल पा रहे कि कौन सा घर अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन पे कोई मिल जाए। तो मेरे दिमाग में बातें वही चल रही थी, मिलावट जो दो लोगों को मिलाता है। तो दो लोगों को कौन मिलाता है? वो मिलाता है आरेमा। तो हो सकता है जो पावर है उस घर के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस सब बातों को डिस्क्राइब किया था कि चार पावर्स हैं हमारे घर पे जो मेजर रोल प्ले करती हैं। उसके बाद 8 कार्डिनल्स के पावर हैं। ये 8 कार्डिनल्स वाला पावर वाला जो वीडियो है, ये वीडियो हमने फेसबुक लाइव, मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर हमने लाइव किया था। आप चाहें तो उसकी सदस्यता लेके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे आने वाले समय पे मैं और इसे एक्सप्लोर करते हुए आप लोगों को और अच्छी बातें बताऊंगा। तो मुझे वो लगा कि शायद आरेमा जो दो लोगों को मिलाता है वो एनर्जी फील्ड इनके घर पे हो सकता है लो रख हो रखी हो या हो सकता है मिसिंग हो। तो मैंने उनको एक देवता रिकमेंड किया कि आप ऐसा एक देवता, जो कुछ वीडियोज में और आपने देखा होगा, ऐसा एक देवता मार्क करके मैंने लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन पे डाल के लगा दीजिए। और इसके साथ मैंने कुछ स्प्रिंग्स भी उन्हें बताए थे, इस तरीके के कुछ स्प्रिंग्स हैं, अलग अलग धातु के, अलग अलग आकार के अलग अलग स्प्रिंग्स होते हैं। इसी वीडियो में आगे चल के आप इसे देखेंगे कि कैसे स्प्रिंग्स डाले जाते हैं और किस किस आकार के ये स्प्रिंग्स होते हैं, किस किस धातुओं में स्प्रिंग अवेलेबल है। तो मैंने उनको देवता, इसके अलावा स्प्रिंग्स आरेमा में लगाने के लिए रिकमेंडेशन दिया। तो कुछ दिन बीते, उस कुछ दिनों में उनका फिर से मुझे कॉल आया कि सर काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है पर हमें ये लग नहीं रहा कि हमें कोई भी उसमें से सूट करेगी। तो मैंने कहा आप अपना मैप मुझे दिखा दीजिए उस प्रॉपर्टी का, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लगन के पहले घर पे, कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इसका ध्यान रखें, आपके लगन जो आपका लगन है उसका जो पहला घर है उसकी स्थिति या उसका डायरेक्शन या उसका पोर्शन या उसकी दिशा किसी भी हाल में आपके नए घर के अंदर ना कटी हो। एक चीज मैंने उनको ये बताई। दूसरा घर जो है, दूसरी चीज और दूसरा घर जो पैसों का है उसका भी डायरेक्शन ना कटा हो। तीसरा संबंधों का घर कहा गया है, तो तीसरा जो संबंधों का भी घर है उसका भी कोई डायरेक्शन ना कटा हो। बाकी जितने घर हैं, 12 घर होते हैं एक लगन चार्ट पे, 12 घर होते हैं, अलग अलग हाउसेस होते हैं, कुछ वीडियोस आप रेफर कीजिएगा तो आपको दिखेगा। इन तीनों घर का सबसे प्रमुख रोल होता है, बाकियों को हम कैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे। आप ऐसे देखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप गुड लुकिंग है, आप कोई भी चीज करते हैं निडरता से करते हैं तो सेल्फ का हाउस हो गया। सेकेंडली आपको कैश फ्लो आने लग जाता है तो सेकेंड हाउस जो है वो एक्टिव हो जाता है। थर्ड, उसी कैश फ्लो को लेके रिलेशंस आपके सारों के साथ अच्छे रहते हैं तो थर्ड हाउस को हम एक्टिव कर सकते हैं अगर उस घर के अंदर या नई प्रॉपर्टी के अंदर वो दिशाएं अनुकूल है या इजाजत देती है। तो ऐसी कुछ बातें मैंने उनको बताई। उन्होंने आरेमा पहले से लगाया था, अब इस टाइम जो उनकी लाइफ में अलग अलग जो नए बातें निकली वो निकली कि उनको काफी सारे ब्रोकर्स ने अप्रोच किया, उन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी, पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उनकी डील नहीं जम रही थी। ये मेरे कान के अंदर कुछ बातें गूंज रही थी और उन्हीं से काउंसलिंग के दौरान आउटकम में ये बात आई कि डील नहीं जम रही है, डील हमें नहीं जम पा रही है। तो मैंने कहा
कोई दिक्कत नहीं, आप मैप्स वगैरह दिखाइए। उन्होंने ऑफिस पे काफी सारे मैप्स दिखाए, उस मैप्स में से एक दो प्रॉपर्टीज मुझे पसंद आई, पर उनका प्रॉब्लम ये हो रहा था, ना तो नेगोशिएशंस पे लोग आ रहे थे जो प्रॉपर्टीज मैंने सेलेक्ट की थी, ना उनकी डील जम रही थी। तो मैं हमेशा ये भी रिकमेंड करता हूँ, क्लाइंट को भी रिकमेंड करता हूँ, या आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने ईस्ट का देवता डाला है तो जरूर उसे वेस्ट के साथ बैलेंस करें, क्योंकि एक पोर्शन को जैसे ही हम स्ट्रेंथन करते हैं, सेकंड पोर्शन के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज क्रिएट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक पोर्शन इंक्रीज करते ही काम नहीं बनेगा, काम बन जाता है, उनको प्रॉपर्टीज मिलने लग गई थी, बट उनकी डील क्रैक नहीं हो रही थी। डील क्रैक, फिर से मित्र के ऊपर आ जाइए। तो मित्र पे मैंने अपनी सुझाव के हिसाब से उनको कॉइन्स रिकमेंड किए, ये किस तरीके की चीजें होती हैं, क्या कॉइन्स है, आगे चल के आप वीडियोस के अंदर देख लेंगे। तो मैंने वहां कॉइन्स रिकमेंड किए, इधर मैंने देव डिप्स, इसके अलावा कुछ स्प्रिंग्स, देवमनिया हम कहते हैं जो हमारे स्टोर में, देवमनिया और कुछ स्प्रिंग्स मैंने यहां पर लगवाया। वेस्ट के अंदर कुछ कॉइन्स डाले, कॉइन्स डालने का प्रोसीजर भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो में आगे चल के। तो मैंने डाला, कुछ दिनों के अंदर, कम से कम 20-25 दिनों के अंदर उनके यहां से एक मैप ही हमारे स्टोर में आ गया। ये ड्यूरेशन में हमारा 45 दिन या 60 दिन खर्चा हुआ होगा इस पूरे कार्य में, क्योंकि मैं समझता हूं कि क्लाइंट के साथ कनेक्टेड रहें, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी हर्डल्स को उसको क्लियर करते चलें, एकदम से सारा इंप्लीमेंट ना करें। पर यहां पर कई बार क्लाइंट भी रश में होता है, उसे सारी चीजें तुरंत चाहिए होती है, तो चाहे तो दोनों को एक साथ डाल दीजिए, और अगर खुद सेल्फ इसे ट्राई कर रहे हैं तो धीरे 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 इसका अनुभव लीजिए, अनुभव बहुत अच्छे आते हैं। तो थोड़े से दिन में उनके यहां से एक मैप आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आई है, आपने जैसे समझाया था उस तरीके से वहां पर तीनों दिशाएं मुझे मिल गई और बची हुई कुछ दिशाएं भी उसमें अच्छी मिल गई, पर अब मैं चाह रहा हूं कि आप मेरा बेडरूम, मेरी सारी चीजें डिजाइन कर दो। तो मैंने कहा ये बात तो अभी अभी हुई थी 15-20 दिन पहले, और आज आप मुझे प्रॉपर्टी का मैप भी दे रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि हम बनाना भी चालू करेंगे। भाई यहाँ रजिस्ट्री में 3 महीनों का वक्त लगता है, और उसके पेपर क्लियर कराते हैं, पेमेंट्स देते हैं, आप कौन से घोड़े पे हो जो ये सारा काम एक साथ हो गया। तो ऐसे करके, क्योंकि कई बार मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ जो मेरा क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भी है, तो मैं उससे कुछ छुपा के या बनावटी बातें करने पे विश्वास नहीं रखता। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो गया भाई, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? तो बोले आपने जो भी किया, जो सेकंड फेज में आपने जो डलवाया था, उससे हुआ ये कि एक ब्रोकर मेरे पास एक सौदा लेके आया था, वो मेरा फ्रेंड ही था, किसी नोन के अंदर मेरे फ्रेंडशिप में फ्रेंड था, तो उसने जब मुझे घर दिखाया तो उसने मेरे को बोला, उसका घर भी मुझे पसंद आया, रेट्स भी हमें सारी डील फाइनलाइज हो गई, मेरा परिवार तो पहले ही मान चुका था, ये सारी चीजें उन्होंने एक बाय एक करके बताई। उसने मेरे को बोला कि आप मुझे टोकन देके इसका पोजीशन ले लीजिए, आप अपना कार्य चालू कर दीजिए, कंप्लीट पेमेंट देने के बाद आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो मैंने कहा ये होता है मित्र, ये मित्र होता है एक फ्रेंड जो ट्रस्ट करता है एक दूसरे के ऊपर, उसने टोकन लेके पोजीशन तक दे दिया, और ये होता है वो केमिकल्स जब हम घर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो दूसरे के अंदर वो तरंगे स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक ये छोटा सा सार है, छोटी सी बात है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, छोटे से रिजल्ट्स हैं। कई लोग मुझे ये चीज पूछते हैं कि सर एक देवता को आप क्या समझते हैं और उसे क्या कार्य के हिसाब से लेते हैं? तो मैं पूछता हूं एक रामलाल से कि रामलाल तू क्या है, तू क्या है? जैसे मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, और आपका नाम राम है और रामलाल है, तो मैंने पूछा आप कौन? तो रामलाल ने मुझे सामने से जवाब दिया, मैं बिजनेसमैन। तो मैंने पूछा तू मेरा दोस्त भी तो है, तू मेरा दोस्त भी तो है। एक ही देवता के देखिए कितने सारे रूप होते हैं, एक ही रामलाल बिजनेसमैन अपने आप को समझता है, मेरे सामने बैठा है तो मैं उसे कहता हूं तू मेरा दोस्त भी तो है। वैसे ही उसकी मदर के लिए वो उसका बेटा भी तो है, रामलाल की मदर के लिए वो उसका बेटा भी तो है, वैसे ही रामलाल की वाइफ के लिए वो उसका हस्बैंड भी तो है। और रामलाल से फिर मैंने एक प्रश्न पूछा क्या तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं? तो उसने कहा मेरी दो सिस्टर्स हैं। तो वही रामलाल के लिए कोई लड़की उसकी सिस्टर है तो वही किसी का भाई भी तो है। अब आप देखिए एक ही रामलाल के कितने सारे स्वरूप हैं। फिर मैंने मस्ती में पूछा उसी रामलाल से कि रामलाल तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है? तो उसने कहा मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए जमा है। तो मैंने कहा तू करोड़पति भी, लखपति भी तो है रामलाल, तू लखपति भी तो है, करोड़ निकल गया पर रामलाल तू लखपति भी तो है। तो एक ही रामलाल किसी के लिए ब्रदर है, किसी के लिए सन है, किसी के लिए दोस्त है, और दुनिया के लिए वो बिजनेसमैन है, और अपने आप में वो लखपति भी तो है। तो एक ही रामलाल के कितने सारे स्वरूप हैं, इसलिए एक ही देवता को हम ये नहीं कह सकते कि किस लेवल पे वो काम आएगा।
किस लेवल पे उसे आप यूज कर सकते हो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप देवता फील्ड्स को समझते हैं, उनकी वर्किंग पैटर्न को समझते हैं, तो आपके अंदर वो लैंग्वेज अडैप्ट होना स्टार्ट हो जाती है जिस लैंग्वेज में मैंने बात करी। मैंने क्या कहा, मिलाने का काम कौन करेगा, कुछ मिल ही नहीं रहा तो मिलाने का काम कौन करेगा, तो मिलाने का काम किया आर्यमा ने। और डील क्रैक नहीं हो रही या फाइनलाइज नहीं हो रही या वो डील मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो वेस्ट की तरफ चले गए। और वेस्ट की तरफ जाते जाते आपने मित्र को समझा। मित्र और आर्यमा को बहुत अलग अलग तरीके से और भी बैलेंस किया जाता है, पर हम कमर्शियल स्पेसेस में जब काम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते तू फर्नीचर हटा दे, तो ये तोड़ दे या इसको ऐसा कर दे। मैं कहता हूं ये छोटे छोटे आइटम्स आप लगवा लो, हो सकता है इसके रिजल्ट्स तुरंत तुरंत क्रिएट हो जाए। होना तो यही है कि एक तरीके से ये एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन के अंदर या सामने वाले के ब्रेन के अंदर कि चीजें कम से कम हमारे हिसाब से हो जाए, हम चाहें जो हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारी विशेष फुलफिल हो जाएंगी। इनके पास इनकी जो स्टोरी थी उसमें इनके पास कैश फ्लो था, इनका मन था लेने को, इनका परिवार में कुछ लोग नहीं सोच रहे थे कि लें, पर उन्होंने भी बाद में रजामंदी दी। उसके अलावा जब इनको हर्डल्स आ रही थी कि प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, हमने आर्यमा बूस्ट किया, और वैसी जब इन्होंने कहा मुझे डील क्रैक नहीं हो रही तो मैंने मित्र बूस्ट किया। इस तरीके के दो देवता बूस्ट करते ही और एक कहीं विलेज सीन लगाते ही, जिसके अंदर एक दिखाया गया है कि वो गांव का सीन है, हो सकता है स्क्रीन के इस साइड चल रहा हो, आप देखिएगा उसे, तो एक गांव का सीन है। उसको जैसे ही मैंने येलो फ्रेम पे लगाया, इनके परिवार ने भी डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। और जैसे ही मैंने वरुण पे लगाया, वरुण देवता हमेशा आपका विजनरी पावर को क्लियर करता है। वैसे ही ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में या अपने मैप्स के बारे में, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके घर बैठे भी सीख सकते हैं, उसकी कुछ मेंबरशिप कॉस्ट होती है। या फिर आप चाहते हैं मेरे साथ मिलके इस कोर्स को करना, इसको सीखना एक कोर्स के माध्यम से, तो 16 नवंबर को मुंबई के अंदर कोर्स हो रहा है, तो और इसमें काफी कुछ आपको अच्छा लगेगा, देखने में बड़ा आनंद आएगा, सुनने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मैं इसे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लेके जा रहा हूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अभी 8 देवताओं के ऊपर हुई थी कुछ बातें उस ग्रुप में, तो एक छोटा सा उदाहरण, एक सज्जन का कॉल आया, साहब साइन नहीं कर रहे, साहब साइन नहीं कर रहे। तो मैंने बताया था जो जया है, जया इंद्र के जस्ट बाजू में साउथ वेस्ट की एक एनर्जी फील्ड है जिसे जया कहते हैं, जया इंस्ट्रूमेंट है, वही याद कर लेना। रामलाल किसी के लिए ब्रदर है, किसी के लिए अच्छा बिजनेसमैन है, किसी के लिए दोस्त है, वैसे ही जया एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिग्नेचर कराता है। आप भी सिग्नेचर करेंगे अगर उसे सही होगा, सामने वाला भी आपके लिए काम करेगा। सिग्नेचर, एक सिग्नेचर से उस फाइल को अटका हुआ था, तो हमने कहा एक छोटी सी डिप और छोटे से स्प्रिंग्स आप जया के अंदर सो प्लेस में माउंट करा दीजिए और आपका काम हो जाएगा विद इन 20-25 डेज। देखिए प्रयास सबको करना है, उन्होंने भी किया, हमने भी अपनी तरफ से बताया, विद इन 20-25 डेज के अंदर उनका वो फाइल पास हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातें इन देवताओं के साथ आप जैसी जैसी सिंक करते हैं अपने आप मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस लैंग्वेज को कैसे सीखना है, तो चाहे ग्रुप में एडमिशन लेके सीख लीजिए, चाहे हमारे साथ कोर्स करा के सीख लीजिए। अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा और आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसे डाला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे डाला जाता है और आने वाली क्या क्या सामग्री इसमें काम आती है और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे को एक हथौड़ी, हमारे पास एक कैंची, हमारे पास एक मार्कर और एक सफ़ेद कागज, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमने बनाया है ये से कहते हैं स्प्रिंग्स, ये आपको 4 पीस में मिलेगा स्प्रिंग्स। इसे कैसे डालना है मैं आगे चल के आपको ये समझा देता हूँ इसी वीडियो में। ये 4 पीसेस में आता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग है फॉर अर्थ, येलो कलर का आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग धातुओं के, मतलब 5 धातुओं के आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी हैं उनके, और कैसे कैसे उसमें डालना है सबके प्रोसीजर एक ही है, पर सबका शेप साइज अलग है। मिलेगा आपको 4 पीसेस में ही, जो भी आप कोई भी स्प्रिंग परचेज करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और 4 पीसेस के सेट पे मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप लेते हैं हमसे, तो हम इस तरीके के, ये 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का अगर आपका प्लॉट साइज है, 1500 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट साइज है, तो आप ये कॉइन्स डाल सकते हैं। अगर आपका प्लॉट साइज 1500 स्क्वायर फीट से नीचे है, भले 500 स्क्वायर फीट से लेके कहीं पर भी है, 0 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट पर, तो ये कॉइन्स आप डाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्मॉल कॉइन्स और इसे हम कहते हैं बिग कॉइन्स। ये 1500 से 2500 में एक सेट डलता है। जैसे ये जो 3 धातु का है, जैसे इसमें कॉपर का एक स्ट्रिप
का एक पूरा रेखा देख रहे हैं जिसमें चार है, ब्रास की आप देख रहे हैं एक रेखा, एक आप कॉपर की फिर से देख रहे हैं, तो ये तीन है। अभी डालने का मैं प्रोसेस में आपको समझा दूंगा। वैसे इसमें भी दो, मतलब एक आप लाइन ये देख रहे हैं, एक लाइन ये देख रहे हैं, एक ये, तो दो दो करके ये, पर ये काफ़ी थिक हैं और काफ़ी बड़े हैं, तो इसे हम कॉइन्स कहते हैं, इसे कॉइन्स कहा जाता है। कहीं कॉइन्स डाल सकते हैं, यहाँ कॉइन्स डाल सकते हैं, या कहीं ये देवता डाल सकते हैं। ये देवता मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं कैसे डलते हैं, ये भी तीन सेट पे ही आते हैं, एज इट इज फॉर्मेट में ही डलता है। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं उस पे ये देवता फील्ड हम बना रहे हैं, उस देवता फील्ड के लिए हमें ये वाले कॉइन्स आवश्यक पड़ेंगे, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी साइज जो है लगभग 3500 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका प्रॉपर्टी का फ्लोर साइज है, जो नेट यूजेबल स्पेस और कार्पेट एरिया हम कहते हैं ना, वो करीब करीब इनका 3500 स्क्वायर फीट का है। अब इसे देवता फील्ड बनाया कैसे जाता है, इसमें आने वाली सामग्री जो है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कैंची है ना, एक हथौड़ी, मार्कर वाइट कलर की पट्टी और एक ड्रिल मशीन जो मेन है। अब जैसे हमें इसे डालना है तो इसे खुली, इसको आप एक बार रख के इस पर मार्किंग कर लीजिए कि कितना ये दोनों आपका ले रहा है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेप लगा के मार्किंग की हुई है। अब देखिए ये जो सिक्के हैं सारे के सारे जो कॉइन्स हैं, जैसे मैं देव कॉइन्स कह रहा हूँ, वो एक ही बराबर हैं, दो दो कॉइन हर उसमें डालना है छेद में। अब इसमें क्या है, आपको जो कॉइन्स मिल रहे हैं दो कॉपर के कॉइन हैं, दो ब्रास के कॉइन हैं और फिर दो कॉपर के, मतलब आपको छह कॉइन्स मिल रहे हैं। ये छह कॉइन्स डालने के लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आप एक यहाँ पर मार्क कर लीजिए, एक ट्राइंगल आप बना लीजिए, ये तीन मैंने आपके इस पर डॉट्स मार दिए हैं, एक ट्राइंगल अपना यहाँ पर फॉर्म हो गया है, आप इसे छेद कर लीजिए। अब देखिए इस प्रोसीजर में कि कैसे आप डाल पाएंगे इसको। ये जो आपने मार्किंग देखी है, हमने मार्किंग तक ही इसे छेद किया, इससे ज्यादा छेद इससे ज़्यादा छेद हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, ताकि वो नीचे ना उतर जाए। और इसमें जो हमने ड्रिल बीट इस्तेमाल की है वो है 24 mm की, क्योंकि जो हमारे सिक्के हैं वो 22 mm के हैं। ये ट्रायंगल नुमा आकार में ये तीन छेद बन गए हैं। इसमें करना क्या होगा, दो जो पहले के दो छेद हैं उसमें दो, जो दो सिक्के हमने एक जैसे दिए हैं वो दोनों डाल दीजिए। इसमें हमने कॉपर के दिए हैं, अलग अलग है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपने कौन सा सिक्का कहाँ डालना है। अगर आप मार्किंग कराना चाहें तो हम एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, मार्क करके दे देते हैं, पर ध्यान ये रखें कि देवता जो परचेज करने हैं उसके लिए आप अपने विवेक से काम लेके और अपनी समझ बुद्धि से समझिए। ये हम एक देवता फील्ड बना रहे हैं, हमने दो कॉइन्स एक सिक्के दोनों कॉइन्स एक होल में डाल दिए, एक के ऊपर एक, और ये खड़ा लगेगा। अब एक बार और थोड़ा नज़दीक से दूसरा सिक्का डालते हुए मैं आपको दिखाता हूँ डालने का जो तरीका है। उसमें ये जो सिक्का है वो ऐसा इंसर्ट होगा, जैसे हम वर्चुअल एंट्री की रॉड खोलते हैं या देव डिप्स भी डालते हैं, हम जब देव डिप्स भी डालते हैं तो ऐसे खड़े ही डालते हैं, वैसे ये वर्चुअल एंट्री की रॉड भी डालते हैं, उसी तरीके से ये ऐसा खड़ा जाएगा। एक यहाँ गया, थोड़ा सा उसको भर लीजिए हल्का सा, और उसके ऊपर सेकेंड सिक्का डाल दीजिए ताकि एक बेस बन जाए और सेकेंड सिक्का। ये हमने देव ऊर्जा को जागृत किया है मेटल पीसेस के थ्रू, ताकि वो फील्ड जो है वो बनना स्टार्ट हो। आप चाहें तो उसमें हथौड़ी का उपयोग भी करके उसे दबा सकते हैं थोड़ा सा। अब इसी के सामने जो आखिरी हमारा ब्रास वाला है वो डालेंगे, ट्रायंगल का जो तीसरा भुज है उसमें ये ब्रास वाला कॉइन डालेंगे। एक थोड़ा सा उसमें गड्ढा और कर लीजिए, आ जाएगा। ध्यान रखें एक के ऊपर एक पक्के से आए, है ना, एक साथ दोनों नहीं डालेंगे, एक डालेंगे उसके ऊपर दूसरा डालेंगे, और लगे तो थोड़ा हथौड़ी से उसे दबा देंगे, एक के ऊपर एक आते ही। अब ये तो हुआ कि जो हमने इसमें कॉइन्स डाल दिया, देखिए
व्हाइट सीमेंट से इसे ढाकना चाहे ढाक दीजिए, पता ना चले, उस तरीके से ये साफ करते हैं तो हो जाएगा। अब इसी के सराउंडिंग में इस देवता फील को जैसे क्रिएट किया, अब इसे हमें और पावराइज करना है। देखिए, या तो सिर्फ देवता फील क्रिएट करके कॉइन्स डालने से भी काम बन जाता है, पर क्योंकि इनका फ्लोर साइज भी अच्छा है और इनकी प्रॉब्लम भी, इनको जल्दी उसका निजात चाहिए, तो इसी के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में मैंने मार्क किया एक, ये दूसरा, ये यहाँ पर तीसरा और यहाँ चौथा, एक ये चार हमने यहाँ पर डॉट्स बनाए हैं, उन डॉट्स पे चार छेद और करने हैं। उसी में जाएंगे आपके स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का भी जो साइज है वो लगभग हमारे सिक्कों के साइज का है, तो वो व्हाइट कलर का जो स्ट्रिप है वो काम आ जाएगा। अब मैं आपको स्प्रिंग्स डालूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे तीन एक ट्रायंगल नुमा शेप बना हुआ है और चार उसके स्क्वायर बने हुए हैं। ये जो चार स्क्वायर्स हैं इसी के अंदर हम एक एक करके अपने स्प्रिंग्स डालेंगे। अब आप देख पा रहे हैं जैसे वो चार छेद हुआ हुआ है, सेंटर में हमने वो डाल दिया था कॉइन्स। अब ये आपको चार पीसेस में मिलेगा। इन चारों पीसेस को, हर एक पीस को एक 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 होल्स में डालना है, जो आपने अभी देखा उस तरीके से ये डाल रहे हैं। देखिए, बस इसको डालते जाइए, बाद में एक साथ सीमेंट लगा दीजिएगा उसको। ये हमारा तीसरा लग गया और ये हमारा चौथा। सेम इक्वेशन हम देव टिप्स के साथ भी बना सकते हैं। ट्रायंगल में हमने जो कॉइन्स डाले हैं उसकी जगह हम देव टिप्स डाल देंगे और साइड साइड में स्प्रिंग्स डाल देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ट्रायंगल्स में जो देवता डालने हैं वो आप अपनी समझ से जो आपको अच्छा लगे, बाकी हमारे द्वारा आपको गाइड कर दिया जाएगा। छोटा सा नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, इसे मार्क करके दे देते हैं अगर आपको कोई तकलीफ है और उसका आप निवारण चाहते हैं। तो साफ होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, लगने के बाद जैसे ये लग गया है पूरा, है ना। तो चार डॉट्स स्प्रिंग्स के और तीन डॉट कॉइन के, उस कॉइन के डॉट की जगह आप चाहें देवता भी डाल सकते हैं। देवता या कॉइन दोनों ही सेंटर पार्ट पे आता है, स्प्रिंग्स हमेशा आउटर पार्ट पे आता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग तरीके के स्प्रिंग्स आते हैं, जैसे कॉपर का अलग आता है, एल्यूमिनियम का अलग आता है, ब्रास का अलग आता है। मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अलग अलग है। जैसे ये ग्रीन कलर का है, ये SS की जगह आता है, ये एल्यूमिनियम की जगह आता है, ब्लैक कलर का है, ये रेड कलर का है, ये कॉपर की जगह आता है। इसका भी देखिए शेप हो गया अलग तरीके का है, ट्रायंगल है। ये वाइट कलर का है, ये आयरन की जगह आता है। मिलेंगे चार चार पीस के, एक एक सेट, ये चार पीस मिलेगा एक साथ ही आपको एक जैसा। और ये जो अभी हमने डाला था ये येलो कलर का है, ब्रास की जगह ये काम आता है। किसी देव ऊर्जा जो येलो कलर की है या जो वाइट कलर की है, जो रेड कलर की है, जो ब्लू कलर की है या ग्रीन कलर की है, उसे जागृत करने के लिए, उसे और मनोबल देने के लिए और बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगता है। और उसे कम करने के लिए कोई चीज़, पोलैरिटी अगर उसकी बड़ी बढ़ रखी है और उसे कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज लगता है, क्लॉकवाइज लगता है। इस मामले में एंटी क्लॉकवाइज, बढ़ाना है तो, कम करना है तो क्लॉकवाइज। जैसा स्क्रू है उसी के सिद्धांत पे ये काम करता है, उल्टा घुमाते हैं तो खुलेगा, सीधा घुमाते हैं तो टाइट हो जाता है, नीचे चले जाता है, बस यही चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
छोटी छोटी करेक्शन से, छोटे छोटे आइडियाज से, छोटी छोटी बातों के साथ अगर आप अपने जीवन को सोच रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छा आ जाए और आप अपना प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे हमारी कंसल्टेंसीज भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर में कॉल करके आप मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही काफी सारे नंबर्स और भी दिए हुए हैं जिसमें आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट हमारे से लेना हो या कुछ भी हमारे से राय लेनी हो, तो आप उसमें अपनी अपॉइंटमेंट्स या अपने फोन करके सामान मंगवा सकते हैं। सारा सामान आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। चलिए, राजा बनना है तन मन धन से, और जुड़े रहिए वास्तु गुरु जी के साथ। और ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।